हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा करनाल के गांव सिंगड़ा गुरुद्वारा में संत बाबा राम सिंह की आत्महत्या किए जाने के उपरांत पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए पहुंची। इस अवसर पर कुमारी शैलजा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि संत बाबा राम सिंह एक नेक दिल इंसान थे। वह किसानों के दुख दर्द को समझते थे, इसलिए वह किसान आंदोलन में बैठे किसानों का दुख नहीं सहन कर सके और उन्होंने अपनी शहादत दे दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली है, इसलिए बाबा जी की शहादत याद की जाएगी। उन्होंने सरकार पर किसानों के साथ जाति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, इसलिए सरकार द्वारा जो किसानों की दुर्गति की जा रही है बेहद निंदनीय है। उन्होंने बाबा जी की शहादत को नमन भी किया और पार्थिव शरीर के दर्शन कर भगवान से अपने चरणों में जगह देने की कामना की। दो मिनट का समय दे दें। बाबा जी राम सिंह जी की शहादत है, सरकार इसको कुछ भी कह रही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिसके मन में थोड़ी सी भी भावना होती है वो हमारे किसान मजदूर के दुख दर्द को अपना दर्द समझता है। बाबा जी ने इनके दुख को अपना समझा, अपने ऊपर लिया, अपनी आत्मा में समाया और इस दुख के कारण उन्होंने अपनी शहादत दी। निस्वार्थ सेवा की और अब अपने जान की कुर्बानी दी। बहुत दुख की बात है कि ये सरकार इसे आत्महत्या सुइसाइड अगर कह रही है तो सरकार को ये भी मालूम होना चाहिए कि जब सुइसाइड होता है तो उसकी क्या उसकी अबेटमेंट जो बोलते हैं कि किसके कारण ये सुइसाइड हुआ, आत्महत्या हुई, इसका कारण कौन था, तो क्या सरकार इस बात पर कानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत रखती है? कौन है जो कारण बना बाबा जी की शहादत का, उनके जाने का? साथ में हमारे 20 और किसान जिनकी किसी ना किसी कारण से वहाँ पर मौत हुई, उनके लिए भी सरकार को जवाबदेही देनी होगी। और बाबा जी के जो ये शहादत है ये व्यर्थ ना जाए और सरकार अपना मौन तोड़े, अपना हठ तोड़े। ये जो हठ पर बैठी है सरकार, लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं होती है। जो आम लोगों की इच्छा होती है उसके अनुरूप किसी को भी राज करना चाहिए। ये एक तरफा राज का जो सिलसिला, तानाशाही ढंग से राज चलाने का जो सिलसिला है, ये हमारे देश की ना परंपरा है, ना हमारे लोकतंत्र में, ना हमारे संविधान के अनुरूप हो सकता है। आज सरकार को अपनी आँख और कान खोलने पड़ेंगे, वरना ये जो किसान इतने शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन चला रहे हैं, किसान तो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वो कभी भी अपने कॉज के लिए जो उनका जिस दर्द को लेकर वो बैठा है वो हिंसा की ओर नहीं बढ़ता है। उसकी मिसाल उसने पिछले इतने महीनों इतने हफ्तों से दे रहे हैं। अब सरकार को कहीं ना कहीं अपना हठ छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और किसानों की बात को सुनकर उनके जो मांग है तीनों कानूनों को वापस लेने की, उसकी ओर आगे बढ़ें। कानून हटाएं, ये तीनों कानून हटाएं ताकि और हमारे किसी भी मासूम की जान इस तरह से ना जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.